हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैंने, जैसा कि बहुत लोग ने कमेंट किया था कि मूर्ति को कलर करके वीडियो बनाओ, बट इश्यू क्या हो जाता है कि आप लोग कमेंट तो करते हो बट आप लोग वीडियो पूरा देखा करो। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो लोग देखते हो बहुत अच्छी बात है, आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो, बट जो लोग चैनल पर नहीं आते हो आप लोग चैनल को थोड़ा वक्त दो मेरे, थोड़ा सा वीडियोस, अगर आप कोई भी वीडियोस देखते हो तो वीडियोस को पूरा देखा करो, ठीक है, टाइम निकाल के देखा करो। इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा तो आप मत देखो, ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर आपको देखना ही है तो थोड़ा टाइम निकाल लिया करो। वीडियोस में अगर लेंथी बनाता हो, थोड़े वक्त लेके बनाता हो, तो आप लोग भी थोड़ा सा वक्त निकाल के मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे ही नहीं हर एक क्रिएटर को सपोर्ट करना चाहिए आपको, जो भी अलग करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आपको वीडियो में से अगर कुछ भी सीखने मिलती है तो आप मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हो। मैं मटेरियल्स के जो भी लिंक देता हूँ आप वहाँ से बाय करते हो तो भी उससे भी मुझे सपोर्ट होता है। एंड आप कुछ भी अगर मेरे आर्टवर्क्स देख के अगर बनाते हो या आपको कुछ मेरे से अगर बनवाना रहता है, कुछ भी चीज़ रहेगा, तो आप मुझे इंस्टा पे कभी भी मुझे DM कर सकते हो। एंड अगर आप कुछ भी मेरे आर्टवर्क्स देख के कुछ बनाते हो तो मुझे ज़रूर से ज़रूर शेयर करना, ताकि मैं अपने वीडियोस में शेयर कर सकूँ आपके आर्टवर्क्स। एंड आपके कुछ भी अपडेट रहते हैं, ठीक है, आपके कुछ भी अपडेट रहते हैं, कुछ भी क्वेश्चन रहते हैं तो भी आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो आगे स्टार्ट होने वाली है, अच्छे से देखना एंड पूरा देखना। कुछ भी आपको क्वेश्चन रहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, या इंस्टा पे मुझे DM कर सकते हो। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आप सबके लिए एक वीडियो मैं वापस बना रहा हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था एंड रिक्वेस्ट भी सब लोगों ने किया था कि जो मैंने मूर्ति बनाई थी वो आप कलर भी करो, ठीक है। एंड उसी के साथ मैंने पुराने वाली मूर्ति में थोड़े चेंजेस करके मैंने अब इसको एक अलग मतलब तरीके से बनाया, मतलब ज़्यादा मैंने चेंजेस नहीं किया बट तो भी थोड़े चेंजेस किए। तो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो के नीचे। और मुझे पता है मैंने बोला था कि वीडियो मैं कल ही लाऊंगा, या मेरे पास कंफर्म नहीं था क्योंकि मैं बिज़ी था। एंड ये जो आप देख रहे हो ये भी मैंने कल ही बनाया था, मतलब एक वॉल पे, मतलब ऐसे वॉल पेंटिंग किसको करना रहता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझे इंस्टा पे या मुझे कहीं भी मेरे वीडियो पे कमेंट कर सकते हो। मैं वॉल पेंटिंग्स भी करता हूँ, ठीक है। तो ये भी कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना इसका। हालांकि मैंने इसका वीडियो मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं खुद बना रहा था एंड कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं था, फिर भी मैंने अच्छे से वीडियो बना लिया है। कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग, ठीक है। तो मेन मकसद मेरा ये था वीडियो ये बनाने का, ताकि मैं क्या कर रहा हूँ अपने डे टू डे लाइफ में ये भी अपडेट के साथ आप लोग से शेयर कर सकूँ वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो ये मैंने कल इसी पे मैं बिज़ी था थोड़ा, इसलिए वीडियो नहीं कर पाया था मैं, ठीक है। तो अब आते हैं मूर्ति को कलर कैसे करना है। तो मेन चीज़ ये है कि कलर करने से पहले आपको मूर्ति को एकदम अच्छे से सूखने देना है, क्योंकि आप क्ले से जब करते हो, ठीक है, आप नेचुरली क्ले से कर रहे हो या अमेज़ॉन से ऑर्डर करके कोई क्ले से कर रहे हो, ठीक है, फिर भी उसको दोनों में आपको अच्छे से मूर्ति को पहले सूखने देना है, ठीक है। फिर आपको यूज़ करना है एक्रेलिक कलर्स। अब अगर आपको नहीं पता एक्रेलिक कलर्स क्या होते हैं तो आप आई बटन में एक वीडियो मिल जाएगा आपको, वो देख सकते हो एक्रेलिक कलर कहाँ से लेना है, ठीक है। आपको लोकल मार्केट से भी मिल जाएगा, बट अगर आपको नहीं लोकल मार्केट से लेना है, अगर आपको सिंपली एकदम शॉर्ट वे ऑनलाइन अगर आपको ऑर्डर करना है तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। तो वीडियो को मैंने बताया है कि आपको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। ये मैंने इसमें ज़्यादा मैंने डिटेलिंग का चीज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियोस जो देख रहे हैं सब लोग, वीडियो सब लोग क्यों देखते हैं मेरे, अगर कोई भी वीडियो मेरा सर्च कर रहा है तो ऑब्वियसली अगर उसको नहीं आ रहा है इसीलिए वो सर्च कर रहा है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं ज़्यादा डिफ़िकल्ट करूँ, कि लोगों को प्रॉब्लम हो उनको ये करने में, क्योंकि अगर मैं डिटेल वीडियो बनाने बैठ जाऊँगा तो आप लोग को भी बोर लगेगा एंड वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो शॉर्ट वीडियो बनाया मैंने, जितना हो सके मैंने शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की है, बात को अपने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है एंड सिंपल वे बताया ताकि आप भी आराम से कर सको, ठीक है। तो आपको पहले तो पूरी मूर्ति में आराम से, एंड एक चीज़ है आपको घाई नहीं करना है चीज़ में, ठीक है, अच्छे से आप अगर आप कोई अलग कलर अगर आप नहीं भी कलर करते हो, ठीक है, आप सिर्फ मेन हाईलाइट जैसे आँखें, वो आपको वीडियो में आगे वीडियो आप में देखने मिलेगा कि मूर्ति फाइनल में कैसी दिख रही है, बट मैं आपको बता रहा हूँ,
ठीक है, अगर आप नहीं भी करते हो कलर, ठीक है, मैंने स्किन कलर चूज़ किया, ठीक है, बट अगर आप नहीं भी करते हो, आप सिर्फ आंखें एंड थोड़े बहुत डिटेलिंग भी ऐड कर देते हो तो भी मूर्ति बहुत अच्छी लगती है। मेन मकसद ये था कि हम इको फ्रेंडली एक घर पे गणपति बनाए, मेन मकसद ये था हमारा, ठीक है। तो आप नहीं भी ज़्यादा वो करते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, इसकी मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखा है मूर्ति वाला वीडियो तो आप देख सकते हो, मेरे ही चैनल पे है, ठीक है। एंड ये सूखने के बाद, ठीक है, कलर करने के बाद एक्रेलिक कलर से भी आपको सूखने देना है, उसको अच्छे से सूखने देना है, क्योंकि एक्रेलिक कलर जो होता है वो एकदम सूखने के बाद शाइनी जैसा इफेक्ट आ जाता है, ठीक है, तो उसको पहले एकदम सूखना देने का है। एंड आराम से इसको अच्छे से उठाना है, मैं बार बार उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं ड्रॉप नहीं करूँगा, बट ऐसा नहीं आपको 50, जैसे कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे तो ये नहीं उनके हाथ में बार बार देना, क्योंकि अगर गलती से भी मूर्ति गिर जाती है तो वो टूट जाएगी। एंड आप भी नहीं चाहते हो या मैं भी नहीं चाहता हूँ कि इतनी अच्छी से अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो तो गिर के वो टूट जाए, ठीक है। अब मुझे पता है बहुत लोगों को लग रहा होगा यार कैसी बातें कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है अगर बना रहे तो तोड़ेंगे नहीं, बट कोई जानता नहीं कि क्या हो सकता है। जैसे कोई समझ लो, मान लो आपके हाथ में आपने लिया एंड वो गलती से गिर गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको आराम से करना है, जितना हो सके आपको उसको अच्छे से हैंडल करना है, ठीक है। अब आते हैं आगे के प्रोसेस में, तो इसमें भी मैं ज़्यादा कलर नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अब फिर वही बात हो जाती है कि लोगों के पास अगर कलर सब कुछ रहेंगे तो वो क्यों ही मेरे वीडियो देखते आएंगे, ठीक है। तो आपको सिंपल जितना हो सके आपको ज़्यादा कलर भी आपको नहीं लेना है, ठीक है। अब इसमें मैंने रेड कलर लिया है, ज़्यादा मैंने डिटेलिंग नहीं किया है, क्योंकि मूर्ति जब आप बना लेते हो तो ऑटोमेटिकली वो लग रही है कि हाँ वो गणेश भगवान है, आपको उसमें ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको असली उसमें जान डालनी है, ठीक है। उतना अगर आपको देखना है तो आप क्यों ही करोगे घर पे बना के, ठीक है। अगर उतना ही अगर आप देखना चाहोगे तो आप उससे चाहो ऑर्डर कर लोगे, बट अगर अच्छे से आप बना रहे हो, ठीक है, आप कुछ खुद से बना रहे हो तो मेन चीज़ आप ये देखो आप कितने अच्छे से बना रहे हो। एक बार में कुछ चीज़ आपसे परफेक्ट नहीं होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, पहले भी मैंने जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं ड्राॅइंग्स के मैंने बहुत बार बोला है कि अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो देखो आर्टिस्ट जब भी गलती करता है तो उसके पास दो ही तरीका होता है, ठीक है, या तो वो गलती पे जिसे समझ लो उसने कुछ चीज़ किया 15 मिनट देखे कुछ चीज़ किया उसमें गलती हो गई, अब या तो वो 15 मिनट और देखे उसको सुधारे या उसी में कुछ चेंज करके कुछ नया चीज़ कर दे। समझ लो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। अगर आपसे कुछ गलती हो जाती तो आप ये मत सोचो कि अब वो गलती को मैं ठीक कर सकता हूँ, अगर आप कर सकते हो तो ठीक है आप कर लो, बट नहीं, अगर एज अ आर्टिस्ट अगर मैं बोलूँ तो जब आर्टिस्ट गलती करता है, अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइफ की बातें हैं, लाइफ में कुछ गलती वो हम किसी और दिन बात करेंगे, मेन आर्टवर्क की बात कर रहा हूँ। जब आप कुछ क्रिएट करते हो आपसे कुछ गलती हो जाती है तो करना क्या है आपको, अब ये देखना कि उसमें क्या मैं कुछ चेंजेस करके उसको और ब्यूटीफुल बना सकता हूँ, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हो, अगर समझ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, एंड जितना हो सके आपको अगर गलती कम से कम करनी है, अगर गलती हो जाती है तो उसमें कुछ अलग से चेंजेस करना है आपको, मॉडिफाई कर देना है ताकि वो गलती किसको पता भी ना चले, एंड किसी को अगर आप बता भी दो कि यार मुझसे ये गलती हुई थी तो वो भी सोचेगा यार मुझे तो पता ही नहीं था, लाइक वो भी बंदा भी सोचेगा या जो भी रहेगा वो सोचेगा कि हाँ वो तो तूने बताया तो मुझे पता चला, नहीं तो मुझे तो पता नहीं था कि इसमें ये गलती भी हुई थी, ठीक है। तो एक बात याद रखना, आर्टिस्ट कभी भी जब गलती करता है तो उसमें वो कुछ चेंजेस करके कुछ अलग ही क्रिएट कर देता है, ठीक है, तो ऐसे आपको भी करना है, ठीक है। एंड ये था बनने के बाद, ठीक है, छोटा सा मैंने लड्डू भी बनाया था, वो भी आपको फेविकॉल की मदद से आपको चिपका देना है। एंड ये फाइनल कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताना, जितना हो सके मैंने कम से कम चीज़ें करके मूर्ति बनाने की कोशिश की है, एंड कसम से बोल रहा हूँ मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट करके बताना। एंड अगर आप बच्चे वीडियो देख रहे हो तो आप भी ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। एंड मुझे इंस्टा पे अगर आपने ट्राई किया है तो मुझे टैग करना, मेरे इंस्टा आईडी पे मुझे टैग करना, एंड मुझे भी शेयर करना, मुझे भी देखना है कि आप लोग कैसे बनाते हो, ठीक है। तो वीडियो से अगर थोड़ा भी आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा या कुछ भी सीखने को मिला होगा तो चैनल को सपोर्ट करना है आपको, ताकि मैं ऐसे वीडियोस लाते रहूँ, एंड बस सपोर्ट करते रहो।